योग और आयुष के उपयोग को बढ़ावा देने से भी स्वास्थ्य के खर्च में कमी आ रही है। योग और आयुष का जिस स्तर पर हम प्रचार कर रहे हैं उससे हेल्थ टूरिज्म की दृष्टि से भी भारत अहम सेंटर बन रहा है। भाई और बहनों, स्वच्छता का संबंध स्वास्थ्य से तो है ही, सुंदरता से भी है। जब देश सुंदर होता है तो टूरिज्म भी बढ़ता है। यहां काशी में भी स्वच्छता और सुंदरता का लाभ हम सभी को देखने को मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ऐसा नहीं मैं हूं इसलिए बताया, ऐसा नहीं, ऐसे बताइए कि देशवासी सुन रहे हैं आपको। मिल रहा है? देखिए, गंगा घाट से लेकर सड़कों और गलियों तक में साफ सफाई के कारण यहां आने वाले पर्यटक बेहतर अनुभव कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले ही काशी की हरियाली को बढ़ाने के लिए बच्चों के साथ मुझे भी वृक्षारोपण का अवसर मिला है। यहां हरियाली बढ़ने से काशी की सुंदरता तो बढ़ेगी ही, पर्यावरण भी शुद्ध होगा। इससे यहां के पर्यटन को और गति मिलेगी। जब पर्यटन बढ़ता है तो भी स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलती है, रोजगार का निर्माण होता है। और टूरिज्म एक ऐसा क्षेत्र है जहां कम से कम पूंजी निवेश से ज्यादा रोजगार की संभावनाएं होती है। आजकल होम स्टे का जो एक नया कल्चर बढ़ रहा है, और मैं तो मानता हूं कि प्रवासी भारतीय दिवस के समय काशीवासियों ने, लोगों ने अपने घरों में रखने के लिए, मेहमानों के लिए जो माहौल बनाया था, अब उसको कॉमर्शियल रूप दिया जा सकता है। एक प्रकार से लोग आए, रहें, कमाई भी हो, आपकी ट्रेनिंग हो चुकी है, काशीवासी बहुत बड़ा फायदा उठा सकते हैं। और बहुत लोग तो ऐसे होते हैं जो काशी में महीना महीना भर रहने के लिए आना चाहते हैं, तो काशी में तो एक बहुत बढ़ावा मिल सकता है। आजकल होम स्टे का जो नया कल्चर बढ़ रहा है उससे भी रोजगार और कमाई के नए साधन बन रहे हैं। यानी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, 5 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए टूरिज्म का बड़ा रोल रहने वाला है। लेकिन भाई और बहनों, अर्थव्यवस्था में गति तब तक संभव नहीं है जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर ना हो। यही कारण है कि 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुसार हम पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहे हैं। गांव में उपज के भंडारण के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या फिर शहरों में आधुनिक सुविधाओं का निर्माण, हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। हाईवेज, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, आईवेज, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, गांव में ब्रॉडबैंड की सुविधा, यानी वाले 5 वर्षों में 100 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। 100 लाख करोड़ रुपए का निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर में। आने वाले कुछ वर्षों में सिर्फ गांवों में ही लगभग 1.25 लाख किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा। साथियों, साल 2022 तक हर गरीब बेघर के सिर पर पक्की छत हो, इसके लिए सिर्फ गांव में ही लगभग 2 करोड़ घरों का निर्माण किया जाएगा। गरीबों के साथ साथ मध्यम वर्ग के घर के सपने को पूरा करने के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। सस्ते घरों के लिए मिडिल क्लास जो होम लोन लेता है उसके ब्याज पर इनकम टैक्स की छूट में 1.5 लाख रुपए की वृद्धि की गई है। यानी अब होम लोन के ब्याज पर 3.5 लाख रुपए तक की छूट मिल पाएगी। इससे
15 वर्ष की लोन अवधि तक 7 लाख रुपए तक का लाभ एक परिवार उठा सकता है। ये बहुत बड़ा काम है जी। इतना ही नहीं, किराए पर घर खोजने में जो असुविधा होती है उसके समाधान के लिए भी कदम उठाए गए हैं। रेंटल हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार एक मॉडल टेनेंसी कानून राज्य सरकारों को बनाकर भेजने वाली है। साथियों, गांव से लेकर शहरों तक जब इतने बड़े स्तर पर निर्माण कार्य होगा तो रोजगार का निर्माण होगा, सामान्य परिवार की जेब में पैसा जाएगा। इससे देश में स्टील, सीमेंट सहित हर सामान की मांग बढ़ेगी। इस सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए गाड़ियां की मांग बढ़ेगी। देश में इस तरह डिमांड को पूरा करने के लिए हमें देश में ही सामान बनाना पड़ेगा। ऐसे में मेक इन इंडिया को गति देने के लिए बजट में बहुत सारे प्रस्ताव रखे गए हैं। इस अभियान को हम डिफेंस, रेलवे और मेडिकल डिवाइस के क्षेत्र में भी मजबूत कर रहे हैं। आज बड़ी मात्रा में हम रक्षा से जुड़े उपकरणों का निर्यात करना शुरू कर दिया है। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग यानी मोबाइल फोन, टीवी जैसे सामान बनाने में भी हम तेजी से प्रगति कर रहे हैं। बजट में स्टार्टअप, और आप जानते ही स्टार्टअप शब्द बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है, नई अर्थव्यवस्था की धुरी स्टार्टअप बन रहा है। बजट में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बहुत बल दिया गया है, चाहे टैक्स में छूट हो यार फंडिंग से जुड़े मुद्दे हो, हर पहलू के समाधान का प्रयास किया गया है। और हमारे नौजवानों के सपने स्टार्टअप के साथ शुरू होते हैं, वो बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहता है। हमारे छोटे और मझले उद्योगों से लेकर जो हमारे पारंपरिक उद्योग हैं उनको भी बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारे बुनकर, मिट्टी के कलाकार, हर प्रकार के हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहित करने के लिए बजट में प्रावधान किए गए हैं। वहीं सौर ऊर्जा के लिए देश में ही सौर पैनल और बैटरी बने, इसके लिए पूरी दुनिया की कंपनियों को निवेश का आकर्षक प्रस्ताव दिया गया है। बिजली से चलने वाली गाड़ियां बनाने, खरीदने और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वालों को टैक्स में छूट दी गई है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल का जाल इतना बढ़े हमारे मछुआरे भी इलेक्ट्रिक सिस्टम का ही उपयोग करें तो उनका काफी खर्चा कम हो जाएगा। साथियों, सौर ऊर्जा से जुड़े उपकरण हो या फिर बिजली से चलने वाले वाहन, ये जब भारत में ही बनेंगे तो आयात पर आने वाला खर्च कम होगा। साथ ही पेट्रोल डीजल के आयात पर जो खर्च होता है वो भी कम होगा। सिर्फ तेल के आयात पर ही देश को हर वर्ष, यानी पेट्रोल डीजल की बात मैं कर रहा हूं, हर वर्ष 5 से 6 लाख करोड़ रुपए खर्च करना पड़ता है। इसके कम होने से कितनी बड़ी राहत देश को मिलेगी यह हम भलीभांति समझ सकते हैं। साथियों, आयात से जुड़ा खर्च जब कम होगा तो वो देश के लिए एक बचत के रूप में ही काम करेगा, यानी हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। यही कारण है कि अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को जितना संभव हो सके भारत में ही पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे पास कोयला भी है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा मौजूद है। इनसे बिजली उत्पादन की क्षमता को
आधुनिक तकनीक के उपयोग से हम बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही कचरे से ऊर्जा पैदा करने के अभियान को मजबूती देने के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है, स्वच्छता अभियान का एक कदम आगे। खेती से निकले अवशेषों को बायोफ्यूल में बदलने के लिए व्यापक प्रयास हो रहे हैं। साथियों, 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने के लिए जो भी प्रयास किए जाएंगे उसमें सरकार सिर्फ एक निमित्त मात्र है, एक सहयोगी रूप में है, एक कैटलिक एजेंट के रूप में है। कभी कभी तो सरकार आड़े ना आए तो भी देशवासी बहुत कुछ आगे ले जा सकते हैं, यह सामर्थ्य होता है। असल काम हम सभी एक नागरिक के नाते, देश के हर नागरिक कर सकते हैं और करके दिखाया भी है भूतकाल में। ये जो लक्ष्य आज कुछ लोगों को मुश्किल दिखता है उसको हम सभी देशवासी मिलकर जन भागीदारी से संभव बनाने वाले हैं। साथियों, जन भागीदारी की व्यवस्था को सशक्त करने के लिए देश में बहुत सारे क्षेत्रों में सामाजिक संस्थाएं काम कर रही है। कृषि हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, कौशल विकास हो, ऐसे हर क्षेत्र में मानव सेवा और जन कल्याण की भावना के साथ अनेक संगठन काम करते हैं। हमारा प्रयास है कि इन संस्थाओं को अपने काम के लिए पूंजी जुटाने का एक माध्यम दिया जाए। यही कारण है कि बजट में स्टॉक एक्सचेंज की तर्ज पर ही एक इलेक्ट्रॉनिक फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म यानी एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की घोषणा की गई है। आज अखबारों में देखा है, बड़ी चर्चा है इसकी, बड़ी सराहना हो रही है। इस माध्यम से ये स्वयंसेवी संस्थान अपनी लिस्टिंग कर पाएंगे और जरूरत के मुताबिक पूंजी जुटा सकेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि एक राष्ट्र के तौर पर हमारे सामूहिक प्रयास 5 वर्ष में 5 लाख करोड़ डॉलर के आर्थिक पड़ाव तक, 5 ट्रिलियन डॉलर के आर्थिक पड़ाव तक हमें जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन साथियों, कुछ लोग कहते हैं कि इसकी क्या जरूरत है, ये सब क्यों किया जा रहा है। साथियों, ये वो वर्ग है जिन्हें हम प्रोफेशनल पेसिमिस्ट भी कह सकते हैं। ये पेशेवर निराशावादी, और ये पेशेवर निराशावादी सामान्य लोगों से बिल्कुल अलग होते हैं, कटे हुए होते हैं। मैं आपको बताता हूं कैसे। आप किसी सामान्य व्यक्ति के पास समस्या लेकर जाएंगे तो वो आपकी समस्या को समझ करके उपाय खोजने में आपका साथी बन जाएगा और कभी कभी समाधान देगा भी। पर इन पेशेवर निराशावादियों के पास अगर आप उनकी झपट में आ गए, उनके पास पहुंच गए, आप जाएंगे समाधान लेने के लिए, वो आपको संकट में डाल देगा। समाधान को संकट में कैसे बदलना, ये पेशेवर निराशावादियों की उसमें बड़ी मास्टरी होती है। साथियों, किसी भी विचार की विवेचना भी जरूरी होती है और आलोचना भी जरूरी होती है। और 5 ट्रिलियन डॉलर के संबंध में देश में उत्साह भरना ये जिम्मेवारी है, वरना यही रोते रहेंगे, ये नहीं
सकता, ये मुश्किल है, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसा सोचा जाता है क्या? कोई कभी ऐसा नहीं हो सकता है। आप याद करिए, गंभीर से गंभीर बीमारी की स्थिति में भी डॉक्टर को पता है पेशेंट का क्या होगा, लेकिन डॉक्टर हमेशा मरीज को उत्साह बढ़ाता है, आप चिंता मत कीजिए, बस अभी ठीक हो जाएगा, बस दो दिन का मामला है। क्योंकि अगर पेशेंट उत्साह से भरा हो जाएगा तो बीमारी को भी परास्त कर करके निकल सकता है। लेकिन आपने देखा होगा कुछ लोग पेशेंट के मिलने जाते हैं और क्या करते हैं, अच्छा हार्ट अटैक हो गया, अरे वो देखिए ना, वो हमारे मोहन चाचा के बेटे को 40 साल की उम्र, बोलो चला गया, उधर गए थे उनका एकदम जवान बेटा, अभी तो शादी तय हुई थी, चला गया। अब आप उसकी खबर पूछने गए कि उसकी बर्बादी करने गए? ये पेशेवर निराशावादी मानसिकता है जी, उनको भी लगता नहीं कि वो गलत कर रहे हैं, उनको ऐसा लगता नहीं, वो पेशेंट के साथ बात कर रहे हैं, तुम अच्छे हो जाओगे नहीं कह रहे, उसको कह रहे यार वो भी तो गया था। साथियों, सकारात्मक माहौल मरीज में भी नई ऊर्जा भर देता है। साथियों, देश को ऐसे नकारात्मक लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है। हां, हमें यह चर्चा व्यापक रूप से करनी चाहिए, यह चर्चा होनी चाहिए कि भाई मोदी जो कह रहे हैं वो दिशा सही है या नहीं है, जो स्टेप्स बता रहे हैं, जो संसाधनों की बात करते हैं, जो प्रक्रिया की बात करते हैं, वो ठीक है कि नहीं है, वो सब चर्चा होनी चाहिए। और चर्चा करते हुए इसमें नए सुझाव भी देने चाहिए, लेकिन 5 ट्रिलियन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए यार, कुछ हो ही नहीं सकता है। मैं समझता हूं ऐसा करने के बजाय कैसे किया जा सकता है, कौन से कदम उठाने चाहिए, 5 क्यों 6 पर कैसे चल पड़े, ये मिजाज पैदा करने की जरूरत होती है। और इसे लेकर देश के विद्वज्जनों, आलोचकों, विवेचकों, अर्थशास्त्रियों की राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उनका स्वागत है। और मैं तो इन चीजों को इसलिए महत्व देता हूं, मैं एक बहुत पुरानी एक सत्य घटना आपको सुनाता हूं। मैं बहुत सुबह जल्दी उठने वालों में से रहा हूं, हमेशा बहुत अर्ली राइजर रहा हूं। तो एक बार मैं सुबह स्कूटर पर जा रहा था, मुझे एक स्थान से दूसरे स्थान जाना था, अंधेरा भी था। तो अहमदाबाद में एक गरीब कोई व्यक्ति खड़े थे, उसने हाथ ऊपर किया, मैं खड़ा रह गया, अकेले थे, ट्रैफिक भी नहीं था, अभी तो सुबह सुबह था, बहुत जल्दी था। तो मुझे पूछने लगे कि भाई साहब, मैं साबरमती जा रहा हूं, मैं इस तरफ जा रहा हूं, मैं ठीक जा रहा हूं ना? तो मैंने कहा, अरे भाई ये तो बहुत दूर है, तुम पैदल जा रहे हो तो 2-3 घंटे तो ऐसे ही लग जाएंगे तुम्हारे, तुम थोड़ा इंतजार करो, थोड़ी देर में बस शुरू हो जाएगी, सिटी बस, उसमें बैठ करके चले जाना। तो उसने कहा, साहब 5 घंटे लगे, 6 घंटे लगे, लेकिन भैया ये तो बताओ मेरी दिशा सही है ना? मैंने कहा, लेकिन देर होगी। उसने दोबारा मुझे, एक आदिवासी, अनपढ़ आदिवासी ने मुझे उस दिन पाठ पढ़ा दिया, उसने कहा, साहब ये बताओ मेरी दिशा सही है ना? मैंने कहा, भाई तुम्हारा दिशा तो सही है, ये यही रास्ते जाओगे तुम साबरमती पहुंचोगे। साथियों, हमारी दिशा सही है,
मेरा 130 करोड़ देशवासियों पर विश्वास भी बड़ा गजब है जी। साथियों, जनता की ताकत असंभव को संभव बना सकती है। याद करिए, एक समय था जब देश अनाज के संकट से जूझता था, विदेश से खाने के लिए, पेट भरने के लिए अनाज लाना पड़ता था। देशवासी विदेश से अनाज कब आएगा उसका इंतजार करते थे, कतार में खड़े रहते थे, वो दिन थे। लेकिन उसी दौर में इसी धरती की संतान लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का आह्वान किया तो पूरे देश के किसानों ने अन्न के भंडार भर दिए। अगर हम हमारी उस यात्रा को उसी रूप में देखते तो शायद आज भी उस आंकड़ों पर लिखने वाले पेशेवर निराशावादी कभी नहीं निकालते कि हां, ये देश आत्मनिर्भर हो सकता है। अगर नकारात्मक और निराशावादियों की चली होती तो हम आज भी अनाज को बाहर से ही मंगा रहे होते। साथियों, 2000 के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा था देश में दाल की स्थिति का, दाल के दाम अखबार में छाए रहते थे पल्सिस का। और 2014 में विजयी होने के बाद मैंने देश के किसानों को प्रार्थना की थी और मैं हैरान हूं जी, मेरे देश के किसानों ने दाल के भंडार भर दिए, रिकॉर्ड उत्पादन कर दिया। अब मेरे मन में एक और विचार चल रहा है, और जब मैं काशी पवित्र धरती पर आयो, मां गंगा के तट पर खड़ा हूं, तो मैं जरूर आज किसानों से ये बात कह रहा हूं, हम जो खाद्य तेल, खाना बनाने में जो तेल का इस्तेमाल होता है, आज उसको लेकर भी यही बात है। आखिर क्यों हमारा देश खाने वाला तेल बाहर से क्यों लाए? मैं जानता हूं, अगर देश का किसान ठान ले अपनी जमीन के दसवें हिस्से को भी तिलहन के लिए समर्पित कर दें तो तेल आयात में बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा। भाइयों और बहनों, देश बड़े संकल्प और बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति से ही आगे बढ़ता है। इच्छा शक्ति चाहिए कि जो ठान लिया वो ठान लिया, फिर उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए खुद को समर्पित कर देना होता है। सोचिए, अंग्रेज भी एक समय कहते थे, जब देश आजाद होने की दिन की चर्चा चल रही थी तो वो यही सोच करके, सपने देख करके गए थे बड़े खुश से कि जैसे ही हम जाएंगे ये देश टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाएगा, राजे रजवाड़े सब मैदान में आ जाएंगे, ये देश बचेगा ही नहीं, यही सोच करके गए थे। लेकिन एक सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ठान लिया कि देश की रियासतों को साथ लाना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना है, तो इस संकल्प को पूरा करकर ही रुके थे। मैंने अपनी आंखों से देखा है, 2001 में कच्छ के अंदर जब भयंकर भूकंप आया था, इस पिछली शताब्दी का सबसे बड़ा भूकंप था, लोग कहते थे बस खत्म, अब ये खड़ा नहीं हो सकता है, आज वो खड़ा ही हुआ, ऐसा नहीं तो दौड़। फॉर मोर डिटेल्स लॉग ऑन टू www.cvrinfo.com। English, this is Savila Kottapalli. Before moving ahead, let's have a quick look on headlines first. PM Modi addresses BJP party workers in Varanasi. Modi launches BJP membership drive. PM Modi launches attack on opposition. Opposition doubting India's ability, says PM. BJP TMC workers clash in Asansol. 13 BJP workers arrested in the case.
Punjab CM Amarinder on Rahul's replacement. Need young blood as Congress chief says CM. Alert in JNK as Intel issues Pulwama-like attack warning on Burhan Wazi's encounter anniversary. Now we have live from Varanasi. Let's have a look. कच्छ के अंदर जब भयंकर भूकंप आया था, इस पिछली शताब्दी का सबसे बड़ा भूकंप था, लोग कहते थे बस खत्म, अब ये खड़ा नहीं हो सकता है। आज वो खड़ा ही हुआ ऐसा नहीं, वो दौड़ रहा है और हिंदुस्तान के सबसे तेज गति से दौड़ने वाले जिलों में उसने अपना नाम दर्ज करा दिया। लोगों ने करके दिखाया। 5-6 साल पहले जब उत्तराखंड में तबाही आई थी तो क्या स्थिति थी? कहा जाता था कि केदारनाथ में अब यात्री नहीं आ पाएंगे, लेकिन अब देखिए पहले से कहीं ज्यादा यात्री अब केदार के दर्शन के लिए जा रहे हैं। साथियों, इस देश की ताकत को हम कम आंकना गलत है। देश ने 62 की लड़ाई और 65 की लड़ाई में हमारा देश का नागरिक जितना खुद को प्यार करता है उतना ही गोल्ड को प्यार करता है, सोने को प्यार करता है। सोना तो घर में होना ही चाहिए, ये हमारी सोच है। लेकिन जब 62 की लड़ाई हुई, 65 की लड़ाई हुई, इसी देशवासियों ने अपने गहने, अपना सोना मां भारती के चरणों में डाल दिया था। पिछले 5 साल में भी जन भागीदारी की ताकत देश ने देखी है, चाहे स्वच्छ भारत अभियान हो, गैस सब्सिडी छोड़ने की बात हो, या फिर सीनियर सिटीजन द्वारा रेलवे में कंसेशन का त्याग। ये जन भागीदारी के उदाहरण है। ऐसे ही देश बनता है, ऐसे ही देश बन रहा है। साथियों, चाहे 1000 दिन में देश के हर गांव तक बिजली पहुंचाने का संकल्प हो, सौभाग्य योजना के तहत बिजली कनेक्शन देना हो, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय का निर्माण हो, जनधन योजना के तहत गरीबों के बैंक अकाउंट खोलना हो, हमारी सरकार की पहचान संकल्प से सिद्धि की रही है। पिछले 5 वर्षों में 1.5 करोड़ से ज्यादा गरीबों को हमारी सरकार ने पक्के घर दिए हैं। अगर पहले की सरकारों वाली है और उस समय वाली रफ्तार होती रहती तो शायद 1-2 पीढ़ी और इंतजार करने के बाद भी घर मिलता कि नहीं मिलता, वो काम हमने 5-6 साल के भीतर भीतर किया है। लेकिन हमने दिखाया कि तेज गति से काम कैसे किया जाता है। अब सरकार 2022 तक, जब आजादी के 75 साल मनाएंगे, हर गरीब को घर देने की दिशा में आगे बढ़ रही है। उसी प्रकार से रसोई गैस, जितने गैस कनेक्शन 2014 से पहले 60-70 सालों में देश में दिए गए थे, उससे ज्यादा गैस कनेक्शन हमने सिर्फ 5 साल में देकर के दिखा दिया है। जब संकल्प लेकर उसके लिए पूरी ईमानदारी से प्रयास किया जाता है तो संकल्प सिद्ध भी होते हैं। कुछ साल पहले क्या किसी व्यक्ति ने सोचा था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में भारत का जो 142वां स्थान था वो 77वां हो जाएगा? इसी तरह फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लेकर भी हमने लक्ष्यों को प्राप्त करके दिखाया। साथियों, आपने सुना होगा और यह श्लोक तो शायद काशी वालियों को सिखाने की जरूरत नहीं है, हम स्कूलों में पढ़ते थे तब भी हमको सिखाया जाता था, उद्यमे नहीं सिद्धंती कार्याणि मनोरथै, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशंति मुखे मृगा। यानी उद्यम से ही कार्य पूर्ण होते हैं, केवल इच्छा करने से नहीं। सोते हुए शेर के मुख में मृग स्वयं प्रवेश नहीं करते हैं। इस देश के कोटि कोटि लोगों की इच्छा शक्ति ही देश को आगे ले जाएगी, उसे $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करेगी। और यह भी याद रखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था का, और ये आंकड़ा सुनकर के आपको
जरूर लगेगा कि हां 5 ट्रिलियन हो सकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में आजादी के बाद लगभग 55-60 साल लग गए। 1 ट्रिलियन पहुंचते पहुंचते 55-60 साल बीत गए और हमने 2014 से 2019 5 साल के अंदर $1 ट्रिलियन नया जोड़ दिया है दोस्तों। यानी एक तरफ 1 ट्रिलियन में 55-60 साल और दूसरी तरफ 1 ट्रिलियन 5 साल के अंदर। यह अपने आप में इस बात का सबूत है।